हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिपेंड होते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट पे। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के कलेक्शन से हम क्या बनाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनका कलेक्शन बोले तो जैसे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, वेरिएबल क्या होता है? सो वेरिएबल टर्म्स होती हैं एक्स वाई ए बी सी डी अल्फाबेटिकल फॉर्म में, और कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? नंबर के फॉर्म में, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है। जब इन्हें हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, वेरिएबल टर्म्स एक्स वाई जेड और कॉन्स्टेंट टर्म्स 1, 2, 3 को हम क्या करते हैं, एड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। ओके, सो मल्टीनोमियल बेसिकली इसलिए बोला गया क्योंकि ट्राइनोमियल के बाद बाकी जो नंबर्स होते हैं, जैसे जो मोनोनोमियल होता है, आपको मैं पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ, मोनोनोमियल जो होता है उसमें सिंगल टर्म्स होता है, लाइक दैट एक्स, एक वेरिएबल से भी हम मोनोनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कॉमा हम लिख सकते हैं 2, ये भी हमारा एक मोनोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म है ना। अगर इसमें हम सपोज करो एक्स प्लस 2 हम लिख दें, तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाती हैं, और जब 2 टर्म्स आ जाएंगी तो ये मोनोनोमियल नहीं रहा, ये क्या हो गया? बायोनोमियल हो गया। ओके, सो बायोनोमियल बेसिकली इसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे एक्स प्लस वाई भी आप लिख सकते हैं, या एक्स प्लस 2 आप लिख सकते हैं, या आप वाई प्लस 5 लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये क्या है? बायोनोमियल टर्म्स हैं। और ट्राइनोमियल क्या होता है? इसमें 3 टर्म्स होती हैं, कितनी? 3 टर्म्स, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, या x प्लस 2 प्लस वाई, 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्राइनोमियल है। हाँ, एक चीज़, कभी भी ये x प्लस एक्स ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, सो दिस इज नॉट ट्राइनोमियल, ये क्या बन गया? मोनोनोमियल बन गया, क्योंकि ये सिंगल टर्म्स में, और बाकी जो भी ट्राइनोमियल के हैं एग्जाम्पल्स, ये सारे इनका रिजल्ट भी ट्राइनोमियल में ही रहेगा। मल्टीनोमियल यानी ट्राइनोमियल के बाद बाकी मिलने, बाकी टर्म्स इंक्लूड होने के बाद इन्हें हम मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हम मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। ओके, अब देखो ये जो मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल्स हैं, इन सब में हमें फैक्टर्स मिलता है। ओके, और फैक्टर के बाद हमें कॉन्स्टेंट टर्म्स भी मिलती हैं, और कॉन्स्टेंट टर्म के साथ साथ हमें कॉफिशियंट भी मिलता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, और कॉफिशियंट क्या होता है। सो इसमें जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं इसी के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, है ना। अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर ढूंढने की कोशिश करें तो फैक्टर हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई में? देखो, फैक्टर्स इट मीन्स ये कि हो गया हमारा प्रोडक्ट, फैक्टर मीन्स प्रोडक्ट। ओके, जैसे ये x प्लस वाई है, यहाँ पे हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 हम कॉमन लेकर के x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है, 1 × x + y, ये हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। ओके, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, सबका ये फैक्टर होता है 1। कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या होती है? तो कॉन्स्टेंट टर्म्स बेसिकली जैसे x प्लस वाई, अब देखो ये वेरिएबल है, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख लें तो ये हमारे पास एक ऐसी टर्म्स हो गई जो विदाउट वेरिएबल है, और विदाउट वेरिएबल होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट टर्म्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए कॉफिशियंट, सो कॉफिशियंट क्या होता है? जब हम कॉफिशियंट की बात करते हैं, एग्जाम्पल हम यही ले लें x प्लस वाई, अब यहाँ पे कॉफिशियंट जब हम लिखेंगे, सो x हमारा वेरिएबल है, और हमेशा कॉफिशियंट किसका होता है? वेरिएबल का होता है। सो x का कॉफिशियंट क्या है? तो x का कॉफिशियंट हमारा 1 है, ठीक है। ये कैसे पता चला?
तो कुछ नंबर इसके पास नहीं है, कोई भी इसके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट बोले तो नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं है, है ना। लेकिन 1 हम यहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 1 इज द कोफिशिएंट। सपोज करो कि यहां पर आपका ऐसे होता x/2 + y, सो x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता 1/2। 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। और y का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे भी कोई नंबर नहीं है, इस वजह से हम 1 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। देखो कोफिशिएंट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, साइन को जरूर लिखना। अगर प्लस साइन है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस साइन है तो माइनस लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट में। जैसे यहां पर -x/2 होता तो ये -1/2 कोफिशिएंट हो जाता x का, ओके। अब तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। सो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ओके। लेकिन एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो हमारे पास पॉलिनोमियल्स, सपोज करो कि x/2 + y है, तो ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल्स भी है, है ना। क्यों, ये पॉलिनोमियल्स भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स वही होता है जिसमें कॉफिशियंट कह रहा हूं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स दोनों हो, ठीक है। अब जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर 1/x + y अगर ये होता, या यहां पे 2 ही ले लो, 2/x। सो x देखो नीचे आ गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हाउ, सो इसमें जब हम देखेंगे x को ऊपर ले जाएंगे, सो ये x पे पावर -1 हो जाएगा और इनटू 2 + y। अब देखो पावर क्या हो गई वेरिएबल पे, नेगेटिव, और नेगेटिव पावर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, ओके। किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर माइनस की है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन कि अगर वो रूट में है वेरिएबल, जैसे √x या √y या कोई भी वेरिएबल टर्म्स रूट में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके। तो इन चीजों को आप ध्यान देना। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और बेसिकली जब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये तीन आपको मैंने लिख दिया है, ये तीनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हैं, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हैं जो कि क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाती हैं। इनको जब हम, ये तो हमारे क्या है a + b पे होल स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे। अब देखो इसको जब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे या फिर इन्हें हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ओके। ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है a + b पे होल स्क्वायर का, ठीक है। ये अप्लाई होगा किन जगहों पे, अगर हमारा क्वेश्चन कोई ऐसा दिया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, या ऐसा हमारा लिया है तो हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा, बोला जाएगा कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा और बोलेगा कि आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो, ओके। अब देखो ये a - b पे होल स्क्वायर, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा a² + b² और यहाँ पे -2ab, ओके। इसमें प्लस था तो सारी चीज़ें प्लस में रहीं, इसमें माइनस है तो सिर्फ 2ab क्या हो गया, माइनस में हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज a² - b² और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a - b एक ब्रैकेट्स में एंड दूसरे ब्रैकेट्स में a + b, ओके। सो दीज आर द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, ओके। तो ये चीज़ें